गीता प्रेस के बंद होने की अफवाह की सूचना पर सदर सांसद रवि किशन ने बुधवार को गीता प्रेस का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने कहा, गीता प्रेस को किसी तरह से कोई कमी नहीं है। विरोधी दल अफवाह फैला रहे हैं कि गीता प्रेस बंद हो रहा है। किसी भी कीमत पर गीता प्रेस को बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गीता प्रेस अपने कर्मचारियों को 80 लाख सैलरी देता है। वहाँ पर किताब छापने वाली विदेशी मशीन है, जिससे गीता प्रेस 15,000 किताबें 1 घंटे में निकालता है। उन्होंने बताया कि गीता प्रेस के नाम पर कुछ लोग पैसा वसूलना चाहते हैं। ऐसे लोगों से लोग सतर्क रहें। गीता प्रेस किसी तरह का दान नहीं लेता है। सदर सांसद ने कहा, यहां आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बचपन से ही घर में गीता प्रेस की प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन होता रहा है और हो रहा है। उन्होंने कहा, गीता प्रेस अपने आप में बहुत बड़ा है तथा कई हजार कर्मचारियों को रोजगार देकर उनके आर्थिक संकट को खत्म कर रहा है। ऐसे में कुछ लोगों ने गलत भ्रांतियां फैलाई कि यह बंद हो रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ पर देखने को मिला यह बहुत सारे लोगों के लिए आर्थिक स्रोत है तथा बहुत लोग इससे जुड़े हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी यहाँ की पुस्तकें लोकप्रिय हैं तथा इन पुस्तकों से कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, के अभाव से वो प्रेस बंद हो रहा है। हमको सांसद के रूप में लोग बार बार पार्लियामेंट में पूछते थे, ट्विटर पे पूछते थे, तो आज मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, गीता प्रेस
को कोई कमी नहीं है। जो भी गलत विरोधी दल इसको बात फैला रहा है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है उसको फैला रहा है कि वो प्रेस बंद होने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। 80 लाख रुपया तो लोग महीना लोगों को तनख्वाह देते हैं, इतना रोजगार है वहाँ, इतनी मशीनें 5-5 करोड़ 15 करोड़ की जापनीज इटालियन फ्रांस की मशीनें आई हुई हैं, वो रोज़ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। गीता प्रेस 15 भाषाओं में अपनी हमारी देवी देवताओं की किताबें निकालता, और गीता प्रेस के बारे में ये भ्रम फैला के कोई अपने खाते में पैसा डालना चाहता है तो मैं आप सब लोगों को ताकीद कर दूं कि ऐसे कोई किसी के अकाउंट में कोई पैसा ना डाले। गीता प्रेस एक ऐसा प्रेस है, ऐसा ट्रस्ट है जो 1 रुपये का दान किसी का नहीं लेता, स्वयं वो चलने वाली एक संस्था है, और हमारी संस्कार को, हमारी संस्कृति को, हमारे देवी देवताओं को किताब के माध्यम से विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके खिलाफ लोग कुछ मुहिम छेड़ते हैं, कुछ जो धर्म विरोधी लोग भी हैं, तो ये सब झांसे में ना पड़े, तो आज मैंने उसका जाके खुलासा मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कर दिया। धन्यवाद।